अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपने नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7, यूनिट 1.3। द नेम ऑफ द लेसन इज लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन ओल्ड पीपल। उर्दू में भी हमने उसका ट्रांसलेशन लिखा है, छोटी लड़कियाँ, लिटिल गर्ल्स यानी कि जो छोटी लड़कियाँ वाइजर दैन ओल्ड पीपल, बड़े लोगों से ज्यादा समझदार। लिटिल गर्ल्स, ये जो छोटी लड़कियां हैं, इस लेसन में बताया गया है कि देर आर टू लिटिल गर्ल्स और वो जो है अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। कैसे समझदार हैं, क्या बात है वो हम देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, इन द यार्ड्स ले स्नो एंड हिल्स ran down the village. A large poodle had run down from a manure pile into a lane between two farms. And at this poodle, two girls, one older than the other, had made. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The little girls had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads रैप इन रेड कर्ची। चलिए अब हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन वन बाय वन इन उर्दू लैंग्वेज। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। और ईस्टर यानी क्या, ये जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं इनका एक त्यौहार होता है, इनका जो एक फेस्टिवल होता है जो संडे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज में। आप बाजू में देखेंगे वहाँ पर तो उसके मीनिंग भी दिया गया है ईस्टर के। टेक्स्ट पेज नंबर 11 पर देखिए। इन द यार्ड, यार्ड का मीनिंग है आंगन, सहन। हाँ, इन द यार्ड स्नो एंड व्हील्स रैन डाउन द विलेज। हाँ, और आंगन में जो बर्फ जम गई है और छोटे छोटे जो है पानी के जो है रिल्स यानी कि चश्मे जिसे बोलेंगे हम, पानी के जो है बह रहे हैं। अ लार्ज पुडल हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्युअर पाइल इनटू द लेन बिटवीन टू फार्म्स। दो खेतों के बीच में जो खाद का जो है ढेर लगा हुआ है तो वो ढेर के वहाँ पर जो है छोटा सा जो कुडल बना हुआ है। कुडल यानी क्या, पानी का डबरा जिसे बोलेंगे हम, या पानी का छोटा सा तालाब बोलेंगे हम जिसको, एक गड़े में जो है पानी जमा हो चुका है। बोथ ऑफ देम हैड बीन ड्रेस्ड बाय देयर मदर्स इन न्यू क्लोथ्स। हाँ, अभी उनका ईद है, उनकी त्यौहार है, फेस्टिवल है, ईस्टर फेस्टिवल है, तो दोनों जो इनकी मदर्स ने उनको जो नया ड्रेस पहनाया हुआ है। द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की है उसने जो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है और जो एल्डर गर्ल है वो जो येलो कलर का उसने ड्रेस पहनी हुई है और उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन है और दोनों लड़कियों के जो है सर पर जो है रुमाल बांधा हुआ है। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च द टू गर्ल्स रन टू द पुडल। हाँ, अब जो है चर्च में जो इबादत के बाद ये दोनों लड़कियां वहाँ पुडल्स की तरफ जाती हैं जहाँ पर पानी का जो है एक डबरा जिसे बोलेंगे हम, या पानी का जो छोटा सा तालाब जो है जमा हुआ है। वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर एंड बिगन टू प्ले। दे वॉन्टेड टू प्लैश इन द वाटर। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पुडल विथ हर शूज ऑन, बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर। हाँ, अब वहाँ पर जो है क्या है, ये दोनों लड़कियाँ चर्च के बाहर आ जाती हैं और वहाँ पर जो पानी का जो पुडल्स जमा है वहाँ पर जो खेलने के लिए जाती हैं। अब ये छोटी गर्ल्स जो है लिटिल गर्ल्स वो क्या करती है, अपने शूज़ के साथ उस पुडल्स में उतरने की कोशिश करती है तो जो ओल्डर गर्ल है यानी कि जो बड़ी लड़की है वो बोलती है, डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड यू डू द सेम। हाँ, तो वो बोल रही है, बड़ी लड़की जो है बोल रही है, अरे मलाशा, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज मलाशा। हाँ, तो वो बोले, अरे मलाशा रुको, तुम्हें जो है डांट पड़ेगी, स्कोल्डिंग क्या, डांट पड़ना, तुम्हारे मदर की जो है तुमको डांट पड़ेगी, अरे रुको, शूज़ के साथ मत जाओ। हाँ, पहले मैं जाती हूँ अपने शूज़ जो है लेकर हाथ उठाकर और फिर तुम आना। द गर्ल्स टुक of their shoes, raised their skirts and walked through the puddles towards each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, हाँ,
दोनों क्या करते हैं अभी अपने अपने शूज जो है वो निकालते हैं और वहाँ पानी में जो है जाते हैं। तो जो लिटिल गर्ल है मलाशा वो क्या करती है, वो अपने दोनों स्कर्ट भी अपने उठाते हैं क्योंकि पानी में पानी थोड़ा सा ज़रा उनके एंकल को टच हो रहा है, एंकल इनके जिसको हम क्या बोलते हैं टकने, टकनों को जो टच हो रहा है। तो वो बोलती है इट इज़ डीप अकुलका आई एम अफ्रेड। हाँ अब वो बोल रही है कि अरे अकुलका क्या ये पानी गहरा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ यानी कि अब वो जो दूसरी गर्ल है जो एल्डर ओल्डर गर्ल है तो उसका नाम क्या है अकुलका। अरे अकुलका, अकुलका बोलती है नेवर माइंड शी रिप्लाइड इट विल नॉट बी एनी डीपर कम स्ट्रेट टुवर्ड्स मी। अरे नहीं बाबा तुम फिक्र मत करो, हाँ मैं जा रही हूँ, ये ज़्यादा गहरा नहीं हूँ, मैं जैसे जाऊँगी वैसे सीधे जो है मेरे पीछे ही तुम आना। दे केम क्लोजर टू ईच अदर अकुलका सेड मलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप विथ वॉक सॉफ्टली बट वॉक सॉफ्टली। हाँ तो अब वो बोलती है अकुलका जो है मलाशा को बोलती है कि अरे मलाशा लुक आउट, जरा ख्याल रखो कि पानी का जो स्प्लैश इट अप यानी कि कीचड़ को जो है उछालो मत, एंड वॉक सॉफ्टली मीन स्लोली, वॉक स्लोली। शी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मलाशा प्लम हर फुट इन टू द वाटर एंड डिस्पैटर्ड अकुलकास न्यू क्लोथ एंड नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज एंड आईज। व्हेन अकुलका saw the spots on her dress she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her। हाँ अभी वो क्या कर रही है मलाशा जो है वो थोड़ा सा पैर जो है अपने जोर से मारती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है अकुलका के जो है ड्रेस पर वो कीचड़ के जो है दाग धब्बे जो है पड़ जाते हैं। जैसे ही वो अकुलका देखती है कि उसके ड्रेस पर जो है कीचड़ के जो है स्पॉट पर दाग जो है पड़ गए हैं तो वो जो है क्या करती है मलाशा को जो है गुस्सा करती है, उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है उसको। मलाशा वॉज फ्राइटेंड एंड सीइंग व्हाट ट्रबल शी हैज कॉज जंप आउट ऑफ द पुडल एंड रैन होम। हाँ अब मलाशा देखती है अरे मेरे वजह से जो उसके प्रॉप पर जो है क्या हो गया वो जो है कीचड़ उड़ गया है तो वो डर जाती है और फौरन अपने घर की तरफ भाग जाती है। अकुलकास मदर पास बाय शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस डिस्पैटर्ड एंड सॉइल्ड। अब वहाँ से अकुलका की मदर जा रही थी तो वो देखती है अरे मेरी बेटी बच्ची के जो है फ्रॉक पर जो है क्या है वो दाग धब्बा कैसा। वेयर अक्यूर्ड वन डिड यू गेट योर सेल्फ सो डर्टी। वो पूछती है अरे तुमने कहाँ कर लिया ये क्या हो गया। मलाशा हैज पर्पसली स्प्लैश इट ऑन मी। हाँ अब अकुलका क्या बोलती है मलाशा ने जो है पर्पसली यानी कि जानबूझकर जो है मुझ पर उड़ाया है। अकुलका मदर ग्रैब्ड मलाशा एंड गेव हर अ नॉक ऑन द नेप ऑफ हर नेक। मलाशा बिगन टू हाउल एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। हाँ अब जो है अकुलका की मदर क्या करती है फौरन मलाशा को पकड़ती है और उसके नेक पर यानी कि यहाँ गर्दन पर जो है एक जोर से जो उसको मारती है और मलाशा अभी जाहिर सी बात है छोटी बच्ची है तो रोना शुरू कर चिल्लाना शुरू करती है। वो जब चिल्लाना शुरू करती है तो उसकी मदर भी जो है बाहर आ जाती है। किसकी मदर मलाशा की जो मदर है शी ऑल्सो कम आउट ऑफ द हाउस। व्हाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर शी बिगन टू स्कोल्ड हर नेबर। अब जो है मलाशा की मदर चिल्लाती है अरे तुम मेरी बेटी को क्यों जो है मार रही हो अपने पड़ोसी पर। उसके पड़ोसी कौन है अकुलका है उसकी फैमिली। नेक्स्ट पेज पर देखिए पेज नंबर 13 पर वन वर्ड ब्रॉड बैक अनदर एंड द वुमन बिगन टू क्वारल। हाँ अब क्या होने लगा दोनों औरतों में जो है बच्चों की वजह से जो है झगड़े क्वारल यानी क्या झगड़ा शुरू हो गया और बात से बात बढ़ती गई। द मेन टू रैन आउट एंड अ बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट। हाँ अब क्या हो गया कि वो घर के जो है आदमी जो थे मर्द हजरात थे वो भी अपने घर के बाहर आ गए। ऑल वेर क्राइंग एंड नो बडी कुड हियर हिज नेबर। अब हर कोई जो चिल्ला रहा है हाँ शॉटिंग कर रहा है और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दे स्कोल्टेड एंड कर्स्ड ईच अदर वन मैन गिव अनदर मैन अ पुश एंड अ फाइट हैड बिगन।
When Akulka's grandmother came out, हाँ अब क्या कर रहे हैं एक दूसरे को जो कर्स यानी कि बद्दुआएं दे रहे हैं, हाँ गलत अल्फाज से जो एक दूसरे को मुखातिब हो रहे हैं और एक आदमी जो दूसरे आदमी को पुश कर रहा है, ढकेल कर रहा है, फाइटिंग चालू है अभी, उतने में क्या होता है कि अकुलका की जो ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी है, वो घर के बाहर है। सी स्टेड इन द मिडस्ट ऑफ द पीजेंट एंड बिगन टू टॉक टू देम। हाँ अब ये दोनों पीजेंट है यानी क्या काश्तकार, ये दोनों काश्तकार के दरमियान में जो है वो आ जाती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। व्हाट आर यू डूइंग डियर वंस, कंसिडर द हॉलीडे, दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड सी व्हाट सीन यू आर डूइंग। तो वो बोल रही है अरे प्यार अजीज डियर्स, ओ डियर यानी कि अपने अकुलका को और जो है मलाशा के मदर से बोल रही है, उनके फादर से बोल रही है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कंसिडर द हॉलीडे, ज़रा सोचो तो सही आज जो छुट्टी का दिन है या आज कौन सा दिन है। दिस इज़ ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग, आज का दिन जो ये क्या है खुशियाँ मनाने का दिन है। एंड यू आर फाइटिंग एंड सी व्हाट सीन यू आर डूइंग, देखो आज जो है फेस्टिवल का दिन है और जो है तुम क्या कर रहे हो, कितना बड़ा जो है सीन कर रहे हो, कितना बड़ा गुनाह का काम कर रहे हो, आप लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग टू ईच अदर, ये सही नहीं है। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमैन एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम, इट हैड नॉट बीन फॉर अकुलका एंड मलाशा। हाँ अब जो है वो उसकी दादी की बात को जो है कोई भी सुनता नहीं है और सब उनको एक तरफ जो है ढकेल देते हैं। हाँ क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई और दूसरी बात होती तो वो ज़रूर मानते, लेकिन ये जो है क्या था अकुलका और मलाशा का जो है के वजह से ये जो झगड़ा हो रहा था, फाइटिंग हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ग्रैंड मदर्स का कुछ सुने नहीं। While the woman exchanged words, Akulka's wipe off her dress and went back to the puddle in the lane. हाँ अभी जो है ये औरतों के जो है यहाँ पर वुमेन्स के जो झगड़े चल ही रहे हैं, अकुलका क्या करती हैं अपना ड्रेस जिस पर जो है वो कीचड़ जो है लगा हुआ है वाइप आउट यानी कि उसको पोछती है, हाँ और जो है पुडल की तरफ जो उनके वहाँ गली में जो है लेन यानी कि छोटा सा रास्ता जिसे बोलेंगे हम, वहाँ पर जो पुडल है पानी का जो डबरा है वहाँ पर जो है वो जाती है। शी पिक अप अ बेबल एंड बिगन टू स्क्रैचेस द ग्राउंड सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट। हाँ अब वो क्या करती है छोटा सा एक जो गोल कलर का जो पत्थर उठाती है, पेबल यानी कि गोल राउंड सा जो है पत्थर उठाती है स्टोन, और वो क्या करती है जहाँ पर पानी का जो चश्मा जो बह रहा है, देखो ऐसा कभी कभी होता है कि उसमें कीचड़ आके जो है बैठ जाता है तो वो उसको साफ करती है ताकि पानी की जो है रिल जो यानी कि पानी जो है बहता हुआ जो है जारी हो जाए। व्हाइल शी वॉज स्क्रैचिंग मलाशा केम अप एंड बिगन टू हेल्प हर, शी पिक अप अ चीप एंड वाइडन द रील। हाँ जब अकुलका को जो है मलाशा देखती है तो वो भी अपने घर से निकल कर आती है और वो चीप चीप यानी कि एक चपटा सा जो पत्थर लेती है और वो भी जो है वो पानी का जो है रास्ते को जो है साफ करती है ताकि पानी का जो छोटा सा जो है रिल चश्मा जो है वो पानी बहना शुरू हो जाए। कमॉन नेक्स्ट पेज। द पीजेंट हैड बिगन टू फाइट जस्ट एज द वाटर वेंट डाउन द रिल टुवर्ड द प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वाज ट्राइंग टू सेपरेट द मैन। हाँ अब ये पानी जो है बहता बहता कहाँ तक आ जाता है जहाँ पे उनकी फाइटिंग जो है चल रही है। द गर्ल्स रैन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रील एंड द अदर फ्रॉम द अदर साइड। हाँ अभी दो लड़कियाँ क्या करती है पानी बह रहा है तो वो एक जो बहते हुए पानी का जो चश्मा है उसके एक तरफ से जो है मलाशा और एक तरफ से अकुलका, ये दोनों जो है खेलते हुए नीचे आ रहे हैं। देखा अभी झगड़े ये जो फाइटिंग किसकी वजह से हो रही थी, ये दोनों की वजह से हो रही थी और ये दोनों पल में झगड़े भी और पल में जो है इनमें फ्रेंडशिप भी हो गई। लेकिन इनके जो बड़े हैं हाँ ये ओल्ड पीपल, हाँ अब वो क्या कर रहे हैं दे आर फाइटिंग और ये जो लिटिल गर्ल्स क्या हो गया इन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गई। लुक आउट मलाशा लुक आउट शाउटेड अकुलका, अकुलका चिल्लाती है अरे मलाशा देखो देखो। मलाशा wanted to say something herself but could not speak for laughter. The girls were running and laughing at a cheap
which was bobbing up and down the hill. They ran straight into the crowd of the peasant. The old woman saw them and said to the peasant, हाँ, अब ये दोनों लड़कियाँ जो है हंस रहे हैं और जो जो उनको चीप जो मिला हुआ है वो उसको जो है ऊपर नीचे जो ऐसे उछाल रहे हैं, पत्थर को जो है वो हरकत कर रहे हैं और जो है और वो जो ये इनके जो झगड़े जो चल रहे हैं जहाँ पे क्राउड जम गया है, भीड़ जम गई है, यानी कि अकुलकास फादर एंड मदर, मलाशास जो है फादर एंड मदर और उनकी ग्रैंड मदर और उनके पड़ोसी जो जमाए, इनके बीच में से ये दोनों लड़कियाँ चली जाती हैं. Shame on you before God, man. You have started fighting on account of these two girls and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They were wiser than you. तो उनकी ग्रैंड मदर बोलती है Shame on you before God, man. खुदा के लिए जो अपने आप पर जो है जरा शर्म करो, वो बोल रही है. किसको बोल रही है? जो बड़े लोग हैं अकुलकास के फादर एंड मदर को और मलाशास के फादर एंड मदर को बोले जरा तुम जो शर्म करो, तुम जो है इन छोटी बच्चियों की वजह से लड़ रहे हैं. और ये जो लड़कियां देखो क्या किए, ये भूल भी गई अपने झगड़े को और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर अच्छे से खेल रही हैं और दे आर वाइजर देन यू. हाँ, लिटिल गर्ल्स क्या हैं, ये जो है तुमसे भी ज़्यादा जो है होशियार हैं, समझदार हैं. The men looked at the girls and they felt ashamed. अब ये सब लोग जो है तो क्या करते हैं, दोनों लड़कियों को देखते हैं और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. अब ये दोनों जो देखते हैं और हंसते हैं और अपने अपने जो है खेतों की तरफ जो है रवाना हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा इस लेसन में कि किस तरह से बच्चों के जो है छोटी छोटी बातों की वजह से भी जो है बड़ों में झगड़े जो है हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिल क्या है, बिल्कुल साफ होते हैं. वो आज जो है लड़ते हैं और कुछ ही पल के बाद जो है वो मिल भी जाते हैं, उनमें फ्रेंडशिप भी हो जाती है. ओके डियर स्टूडेंट्स.